哦，明白了。Okay.
ताकि मेरी मारिफत हो सके। देखिए ये तर्जुमा तो मैंने आपकी खिदमत में कर दिया, मेरे सरकार मौजू पर ही बात होगी लेकिन बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह 40 मिनट में मैं बुजुर्गों को समेटने की कोशिश करता हूँ, एक घंटे के अंदर अंदर कोशिश कीजिएगा। मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहते मैं पहचाना था, अगर ये संभल का और सृष्टि का मजमा बेदार है तो जुमला तहरी दिल में उतर जाएगा। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ये पहला नुकता है और टोपा है इस मजलिस का, कबूल कीजिएगा। कुंतो कंजन मफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, वह अनंत कुल खल्क तो मैंने खल्क को महले खल्क में दाखिल किया, तो सवाल ये है कि जो खजाना छुपा था वो है कहां। मेरी बात शायद आप तक पहुंची नहीं है जो मैं कहना चाह रहा था, आप किसी हदीस से उसी से मैं साबित करूंगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप ताक्कुल करें और तदब्बुर तफक्कुर करें तो इसी हदीस से उसी में वो छुपा हुआ खजाना अल्लाह ने जाहिर किया है। जब तक वो खजाना जाहिर नहीं होगा तब तक के तौहीद की मारिफत मुमकिन नहीं होगी। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, इशारे बहुत तवज्जो रखिएगा। कुंतो कंजन मफिया, देखिए ऐसे मौजू का इंतखाब मैं हर जमीन पे नहीं करता। अगर सृष्टि की तरफ आया हूं मैं, अगर संबल आया हूं तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौजूद का जाहिर सी बात इंतखाब किया जाए ताकि हम भी कुछ सीख लें। मैं छुपा हुआ खजाना था तो जाहिर सी बात है कि ढूंढा जाएगा कि वो खजाना है कहां, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी हदीस कुर्सी में खुद परवरदिगार आलम ने कहा और इशारा किया कि वो खजाना कोई और नहीं है, वो वही खल्क है जिसे मैंने महले खल्क में दाखिल किया। आपका कि आप बेदार हैं।
कि मोहब्बत जितनी बढ़ती जाती है मारिफत में, देखिए मैं बहुत दूर ले जाना चाह रहा हूं, मारिफत में उतना इजाफा होता जाता है और मारिफत में जितना इजाफा होता है अटैचमेंट उतना मजबूत होता है। अटैचमेंट जितना मजबूत होगा यकीन उतना काबिल होगा। इसका मतलब है अटैचमेंट जब मजबूत होता है तो शक की बीमारी नहीं पकड़ती। अरे क्या आज के मेरी बात पहुंचा जो मैं कहना चाहता हूं, समझो समझो रखिएगा। अच्छा ठहर जाइए, मैं यहां से आपकी खिदमत में फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल, मिसाल तो जरूरत जरूरी हो गई है। मिसाल यकीन किसे कहते हैं, तो जितने उलमा गुजरे हैं उन्होंने लिखा है कि अगर यकीन की हकीकत को समझना है तो पहले शक को समझो कि शक क्या है। जब शक समझ में आ जाएगा तो यकीन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा यकीन किसे कहते हैं सुनिएगा, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे अक्सर रजवी साहब भी बैठे हैं, हमारे कैफी साहब भी बैठे हैं और ये हमारे सरदार भाई हैं। सरदार भाई हमारे साथ साथ चल रहे हैं और ये आपका सुरसुखी साहब और कैफी साहब है। देखिए दोनों का इजाजा मेरे पास है नाराजगी की बात बनाने का। हाँ इसके इसे हाँ इसके इसीलिए मैंने दोनों की मिसाल दी है, आख्तर भाई है और हमारे कैफी साहब है। आख्तर साहब हमारे मुल्क के सहाबियों में से हैं, ऐसे अच्छी लगभग तो नहीं थी कुर्बत की, ये बहुत करीबी है हमारे। अच्छा कैसे है, मैंने कहा कि सरदार आप भी मेरे करीबी वो भी करीबी, लेकिन आपने पूरी तारीख समय कहा आपने और उनमें बुनियादी फर्क है। तब क्या, तब वो इतने करीब है कि घर तक जा सकते हैं घर में नहीं। इसी संबल के इसी अदाखाने के दरवाजे पर आप मिलिएगा, मैं भी आता हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है सरकार आप जाइए, मैं आप आइएगा मैं यही मिलूंगा। दो घंटे गुजर गए, एक घंटे का वादा करके गया था मैं, बहुत तवज्जो चाह रहा यकीन पे बात हो रही है, एक घंटे का वादा करके गया था, दो घंटे गुजर गए। इन्होंने कहा सरदार साहब ने कि जिला सरदार साहब दो घंटे गुजर गए, लेकिन वो साहब वहां पे खड़े खड़े थके होंगे, चलिए कैसे साहब होंगे उनसे आप मुलाकात करिए। मैंने कहा सरकार दो घंटे हो गए, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। किरदास करबलाई की पढ़ने की जिम्मेदारी है, पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं इशारा करके जा रहा हूं। मैंने फौरन कहा आपका साहब होंगे कि नहीं होंगे, इन्होंने कहा ये कैसे, मैंने कहा ज्यादा अटैचमेंट नहीं है ना, अरे नहीं पहुंचे आप तो मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा कुर्बत नहीं है, अलग सलेक का मामला है, बस सरसरी तौर पर मोहब्बत है, अलग सलेक का मामला है, ज्यादा उठना बैठना नहीं है कि हमेशा वह उनकी ही बातें करता रहा, हमेशा उनका ही जिक्र करता रहो, इतना अटैचमेंट नहीं है। पता चला जब अटैचमेंट कमजोर था तो शक आ गया। काश के पहुंचाने का जो मैं कहना चाह रहा हूं तवज्जो रखिएगा, क्या जब अटैचमेंट कमजोर था तो दिल में शक आ गया, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आज सरदार साहब के बैठे हुए सरदार साहब अब यही हमारे साथ सफर करते हैं, तो ये हमारे आख्तर साहब मिल गए, ये घर वाले थे, घर के अंदर वाले इतने करीब थे। इनसे मैंने कहा सरकार सिरसी में यही मिलिएगा, जहां पे बस अड्डा है वहीं मिलिएगा, संबद्ध सिरसी चला गया, जो मुझे अभी जाना मैं वहीं से आया। तो सरकार आख्तर सिरसी साहब ने कहा ठीक है जबला प्रताप साहब जाइए मैं यही मिलूंगा। दो घंटे का काम था, पांच घंटे में मुकम्मल हुआ। अब सरदार साहब से मैंने कहा सरदार साहब चलिए आख्तर भाई को बिठा कर आया हूं, एक जुमले में अशरा मुकम्मल हो जाए तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझ जैसा तालिब इल्म इस एक जुमले पे कम से कम 10 मजलिसें तो पढ़ सकता है, उलमा की बात मैं नहीं करता लेकिन तवज्जो फरमाइएगा। अभी जो आख्तर साहब ने कहा यही मिलूंगा, पांच घंटे के बाद सरदार साहब ने कहा वो तो चले गए होंगे, मैंने कहा नहीं सरदार साहब वो आख्तर सिरसी साहब है, महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार।
जब मैं मैसेज के मैदान तक ले जाना चाहता हूं, यकीन जब कामिल होता है तो फिर शक नहीं आता, और अगर कहीं से कमजोरी होती है, कहीं से यकीन में झोल होता है सदा सा, तो कहीं ना कहीं शक की बीमारी पकड़ लेती है। और यकीन है ईमान, शक है कुफ्र। तो यकीन है ईमान और शक है कुफ्र। अब एक जुमला कहूं, अगर सारे किदारे मुकदमा खत्म हुआ, नतीजा आपके हवाले दे रहा हूं, हवाले कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। अतीजो जब यकीन काम, जब रब्ता मजबूत होता है, अटैचमेंट मजबूत होता है, तो फिर शकीन कामिल होता है। अटैचमेंट में कमी आई, शक की बीमारी पकड़ गई। अब समझ में आया, अहले बैत से जिनका राबता मजबूत है, न कब्र में सांप का खतरा है, न बिच्छू। बाहर से सलवार की आवाज नहीं आई है, बाबा का।
कहा मैं वो हूं कि जिसने गहवारे ईसा से कलाम किया था। ये महसूस लोगों के लिए जुमला कि कदीम की मारिफत हादिस से नहीं हो
इशारे हिस्सी से खारिज में नहीं पहचानी जा सकती। देखे आधा घंटा हो गया मैं कहता शहजाद तो नहीं होने के मोहम्मद वाले मोहम्मद ये दुआ दो होने का देखिए घड़ी घड़ी आपकी नजर घड़ी पे नजर इसलिए किसी घड़ी का रुके घड़ी मजामी आपके ध्यान में मुंतकिल कर रहा हूँ। ये सलवा था बढ़िया मोहम्मद लाइब्रेरिया
साहबनामा थे। पूरी जिंदगी इल्म हासिल किया, अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हुई तो यकीन नहीं कर सका। आखिरी वक्त में भी इशारा किया और जाहिर सी बात है कि मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि हुसैन हक पे थे। जहां यकीन होगा वही तमन्नाएं मौत होगी। मैं कुछ कह रहा हूं तवज्जो इजाने मौत, और जहां यकीन नहीं होगा वहां आदमी डरता रहेगा। नहीं, अगर मर गए तो फिर कब्र में सांप आएगा, कब्र में बिच्छू आएंगे, मैशर में हमारा क्या होगा। नहीं, जिन्हें अहले बैत की शफाअत पर यकीन है, इसीलिए तो कहा गया अली वाले कभी मौत से नहीं डरते। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। आज हमारे यहाँ परेशानी बहुत है, बहुत सारे लोग परेशान है।
झगड़े होते हैं, हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो मियां बीवी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े होते ही नहीं होते, सब क्या होते, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अपने बारे में सोच रहा हूँ, सब क्या होते, मुझे बताइए ये होता कैसे? ये होता है आपकी और हमारी गलतियों से, हमने मौला के फरमान को भुला दिया। का क्या का दो तीन बातें जो घर की है वो अर्ज कर रहा हूं। मौला के खिदमत में एक औरत आए और आने के बाद कहती है, मौला मेरे घर में सब नमाज नहीं और बड़े मुत्तकी परहेज़गार है लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं होगी। देखिए रोजमर्रा जिंदगी का एक मौला ने इशारा किया, मौला ने फरमाया कि ये बता कि तू जब सफाई करती है घर की तो वो जो कूड़ा निकलता है उसे रखती कहाँ? देखिए गलतियां हमारी जो झगड़े होते हैं उसे रखती कहाँ? तो मौला उसने औरत ने फरमाया मैं जमा करती हूँ, रात को उठा के रख देती हूँ और सुबह उसको कूड़ेदान में डलवा देती हूँ, कोई आता है पैसा देकर के याद चले होते हमारे यहाँ होता है। मौला ने फरमाया खबरदार, यही वजह है कि तेरे घर में बरकत नहीं आ रहा। क्या मतलब? हम मौला फरमाए, मौला ने फरमाया उस औरत से जो रात में तू कचरा कूड़ा जमा करती है, गंदगी जमा करती है, घर में मत रखा कर जमा करती है, देवड़ी के बाहर रखा कर। कहा मौला इसकी वजह, कहा यही वजह है कि तेरे घर में बरकत नहीं आ रही है। जिस घर में गंदगी होती है रिस्क के फरिश्ते सुबह में आसमान से नाजिल होते हैं और वो कह के आपके घर से कलह जाते हैं कि परवरदिगार इस घर में गंदगी बहुत है, हम रिस्क के फरिश्ते हैं इनके घर में नाजिल होते हैं। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमारे घर में पाई जाती है। देखिए कुछ लोग सर झुका के बैठे हैं, मैं चाह ये रहा था कि एक इशारा और कर जाऊं अगर आपकी इजाजत है और यकीन में बंदे स्थापित कर जाऊं। गलतियां हमारी है जो हमारे
मददगार जो मेरी मदद करे। आए, 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 नहीं, बात में
कि वो लबै कहे तमाम भी आए मदद के लिए, लाशें तड़प गई कि हमें मौत ने मजबूर कर दिया, और उसके बाद क्या कहा, कहा कि जितनी बार हमें जिंदा किया जाए हम आप पे कुर्बान हो जाएंगे, मैं कोई तादाद मुहैया नहीं करता। समझ लिया कि हमारे पक्का पैमाना है। अब अजीजान मोहतरम एक जुमला सुन लीजिए जो आपके खिदमत दर्ज कर रहा हूं सरदार साहब, कि शबे आशूर का हज चलेगा और असरे आशूर का कोई है जो मदद के लिए आए। यहां पर दिन भी आ गए ये लीजिए कहा मदद के लिए, कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा मौला जब मदद की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूं तवज्जो इजाजत मोहतरम शोरा के दरमियान हो लबा के दरमियान तवज्जो कीजिएगा, जब मदद की जरूरत नहीं है तो ये आप बुला क्यों रहे हैं, तब मामला कुछ और है। शबे आशूर का हाथा जाओ, वो शबी ये रोजे जजा ने दुआ दी है तुम्हें, ये सोच के
और सादात इसलिए मैंने इसे कराए कि आपके जनता की मजलिस आपके लिए ये जुमला रोने के लिए काफी होगा। आपने सुना होगा कि शहजादी ने सलाम कह लिया भिजवाया है, शहजादी ने दुआ दी है, लेकिन जब मैं किताब पढ़ रहा था तो यकीन जानिए कयामत का पिमरा लिखा हुआ है और रूह कांप गई वो जुमला सुन के। तो अलमा ने पढ़ा दिया कि हमने ये सुना कि शहजादी ने सलाम भी भिजवाया, शहजादी ने दुआ भी की है, लेकिन जानते हैं किस आलम में की है? रवायतों में है कि शहजादी ने आपको सलाम उस वक्त कहलवाया है जब सहरा की पसलियां टूट चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय हमें मज़लूम है करबला। अरबाब अल्लाह एक मोमिन के सारे सवाब की मजलिस है, ये जिक्र खैर का सवाब उनके नाम है आमाल तक पहुंचे बसीला इंशाअल्लाह बसमिन अलैहि वसल्लत व सलाम। और आपकी आमद और आपके क्रिए को शहजादी कबूल फरमाए। अरबाब अल्लाह शहजादी के मसाए तारीख में है, बस एक इशारा देकर मैं गुजरा हूँ, मुझे करबला तक जाना है। अरबाब अल्लाह एक मोमिन के सारे सवाब की मजलिस है। मैं दो शहजादियों का जिक्र और करना चाहता हूँ। आपके यहाँ बैठे हुए मुझे इंसाफ से बताइए कि आप कितने आराम से बैठे हैं, आप सैराब होकर आए हैं, आप खाना खाकर आए हैं, कोई प्यासा तो इसमें नहीं बैठा है कि जिसकी जान जा रही हो? ज्यादा से ज्यादा एक घंटे आप प्यासे रह जाते हैं, और जब मसाइब होते हैं तो आप कितना रोते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा दो घंटा। लेकिन खुदा की कसम जो गैब में एक अजादार बैठा है और एक बारी से करबला बैठा हुआ है वो आपकी खिताबत सुन के नहीं रोता है, वो आपकी जाकिरी सुन के नहीं रोता है। जब जब हमारा वक्त आखिरी इमाम करबला की तरफ नजर करता है और करबला की तरफ देखता है, कहीं ज़ैनब उम्मे कुलसूम की लुटी हुई चादर याद आती है, कहीं रबाब की उजड़ी हुई कोख नजर आती है, कहीं कासिम का पामाल नाशा। और हमारा बाप का वक्त का इमाम जो पर्दे में बैठा है, मौला क्रिया करते हैं, खून के आंसू होते हैं। मुझे यकीन है कि मौला यकीन कहीं नशी फरमा होंगे और मसाइब को वक्त मसाइब जब हुआ करें तो ये दुआएं कबूल होने का जरिया है। मौला कितने करीम है आप, आपका दरबार उजड़ गया लेकिन अपने चाहने वालों की इतनी मोहब्बत कि आपने सलाम भी भिजवाया। और मैं ये कहूंगा शहजादी आप इतनी मोहब्बत करती हैं, इतना करीब, इतनी मोहब्बत करती हैं और इतना करीब रखती हैं अपने चाहने वालों को कि आपने सलाम भिजवाया। मैं कह के इशारा सुन लीजिए, जाके ज़ियारत नाहिया पढ़िए, ज़ियारत नाहिया की तिलावत किया करिए, जैसे रोज नमाजें पढ़ते हैं ना, ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं। मेरी तब देख के जुमला सुनिए, ज़ियारत नाहिया पढ़िए, हमारा और आपका आखिरी इमाम उस ज़ियारत नाहिया में सलाम करते हुए कहता, सलाम हो उन सरे बुरीदा पर जिन्हें नैज़ों पे मुअल्ला करके ले जाया गया। खुद के नारो ये घर वाले अल्लाह, सलाम हो उन सरों पर जिन्हें नैज़ों पे मुअल्ला करके ले जाया गया, सलाम हो उन आंखों पर जिन्हें रातों को जगाया गया। अरबाब अल्लाह एक आलिम दीन ने जब ये फिकरा पढ़ा और पढ़ के बहुत परेशान हुए, कहा वो आंखें कौन सी हैं जिन्हें हमारा और आपका वक्त का इमाम सलाम कर रहा है? तो एक मतलब आलिम दीन ने फरमाया रोते हुए, कहते हैं क्या तुमने मकातिल नहीं पढ़ी है? अरे 11 मुहर्रम को
शहादत हमारे घर की मीराश है, क्या ये भी मीराश है क्या हमारी माए बहने हो और शराबियों का दरबार हो अल्लाह अकबर। और एक मनादी निदा दे रहा हो, ये नबी की बेटिया है, ये नबी अली की बेटिया है, ये नबी की नवासिया है। खैर जाइए रवायत का एक बदला जो पढ़ के मुझे सलाम कर रहा हो, ये सारे सलाम पर हूं तक हो जाए। और बाबे अजा मौला आज शाम कह के खाली नहीं रोते थे, जब हमने रिवायतें पढ़ी है तो मौला हमारे और आपके चौथे इमाम पूरी जिंदगी एक फिकरा कह के रोते रहे। जिनकी बहने सलामत है अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। देखिए बहन किस नेमत का नाम है, तो अल्लाह अपने आप को अदा किया किस रहमत का नाम है। चौथे इमाम मौला फरमाते चौथे इमाम पूरी जिंदगी एक फिकरा कह के रोते रहे। और वो फिकरा क्या है, उलमा से हमने सुना मौला ये कह के रोते रहे बाते करबला मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। अल्लाह जाने कि मैं पाऊंगा कि नहीं, शहजादी इतना असाध्य जवान लेंगे तमाम मोमिनीन के कल तक ये जुमला पहुंचे। मौला ये कह के रोते थे मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। का वो कौन सा सवाल, का जब ये काफिला करबला से चला है शाम और कूफा की राह में था तो शाम और कूफा के दरमियान एक ऐसी जगह आई कि जहां पे हमारा और काफिला ठहराया गया। हमारा और आपका चौथा इमाम पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, गले में खारदार दौक है, कमर में लंगर है। अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब से जो मैंने जुमला एक रवायत का जुमला सुना है वो आज नकल कर रहा हूँ। रोते हुए घरों को जाइए, मौला वहां पर पैर फैला कर खाक पर बैठे हुए हैं। चार साल की बहन है जनाबे सकीना, किसी ने अब तक तमाचे मारे हैं, किसी ने घुरकियां दी हैं, किसी ने दस्ते शफ़क़त नहीं फेरा है। अरबाब अदा इतने मसायब सह के बीबी आ रही है, लेकिन जब अपने भैया को इस हालत में देखा तो बहन से बर्दाश्त ना हुआ। बहन आके बढ़ी और कहा भैया आज तक आपको इस हालत में कभी बैठे नहीं देखा, आज क्या वजह है कि आप पैर फैला कर खाक में बैठे। जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा बहना पैरों में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं, जब पैर जमीन पे रखता हो तो बड़ी अजियत होती है। देखिए बहन किसे कहते हैं, अब तक ये मसाए बहन भूल गई, अपने भैया की अजियत को महसूस किया, हाथों को जोड़ के कहा भैया आखिरी टकरा, कहा भैया अगर इजाजत हो तो ये बहन आपके पैरों से कांटों को निकाल दे। रवायत का फिकरा है रबाबे अला कि जब जनाबे सकीना आबलों से कांटे निकाल रही थी सैयद सज्जाद ये कह के चेहरा देख के रोने लगे, अरे मेरी बहन ने मेरे पैरों से कांटे निकाल दिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आके पूछे बीबी आपके पैरों में भी तो कांटे हैं, अभी सफर तवील है, उन कांटों को निकालने वाला कोई उनके शर से हमारी पूरी कौम को महफूज फरमा। परवरदिगारा बिलाए के हलाल मुश्किल के खिलाफ तहरीक चलाने वालों को निस्को नाबूद फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, दुश्मन इस्लाम दुश्मनान इस्लाम को सब हस्ती से निस्को नाबूद फरमा। परवरदिगारा हर रास्ता कौम से क्यों यह है कि परवरदिगार हमें अपनी आंखों से इस जिंदगी में खुद वारिस करबला की ज़ियारत करें। परवरदिगारा मुंतकिम अपने हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताखीर फरमा और उनके हक के जामान व अंसार में उनको शुमार फरमा। वह तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह इख़लास पढ़ा। मोहतरम तहसीब हुसैन ने इरशाद हुसैन साहब के साथ फरमाई बसीला चाहता हूँ।